तो दोस्तों, मैं अंकित कुमार, ज्ञान सार स्टडी में आपका स्वागत है। सो हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे, बहुपद का जो भी उदाहरण था, उसके बाद कौन जो भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में पढ़े। सो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग उदाहरण में पढ़े थे वही क्वेश्चन का फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या प्रश्नावली 2.2 में सबसे पहले क्या कर, निम्न बहुपद मतलब बहुत सारे बहुपद जो हम पढ़े थे, बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग याद कीजिए कि सबसे जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, वो दिन हम जो उदाहरण 2 पढ़ाए थे, सेम उसी तरह हम लोग को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना और उसकी सत्यता का जांच करना है। तो मेरा दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। तो हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब एक शून्य का निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे गुणनखंड, तो देखेंगे कि 8 और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 8 आएगा। तो ये मल्टीपल सम कितना है, 2 है। तो हम लोग ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जो यहाँ गुणनखंड करेंगे कि जो 2 जोड़ करके 2 आना चाहिए और गुना करके कितना आ जाए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² है x² आने देते हैं, क्या करें, -2x है तो हम लोग कर सकते हैं क्या, 4 × 8 +2x और क्या कर सकते हैं, -4x - 8। देखो हम लोग गुना जोड़ेंगे क्या जाएगा, -4x में से +2x हटाएंगे तो क्या जाएगा, -2x आ जाएगा और 4 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या है, एक बार करेंगे तो x +2 - 4x + 2 क्या करेंगे, x में x करना है, x² x में 2 से 2x -4 में x से क्या करेंगे, 4x और -4 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे x +2 = 0 और x -4 = 0। तो x +2 = 0 और x -4 = 0। तो अगर x ये 2 अगर प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद x क्या है, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में मेरा 4 हो जाएगा। तो मेरा शून्य क्या निकल गया, -2 और 4। तो लिख सकते हैं क्या, x² - 2x - 8 का क्या शून्य क्या है, -2 और कितना दिया है 4 आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो शून्य हम लोग को निकालना था, शून्य तो निकल गया। उसके बाद हम लोग को जांच करना है शून्य को तथा गुणनफल को के भी सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सबसे पहले देखेंगे मान क्या क्या दिया हुआ है, मेरा a बराबर कितना दिया हुआ है, 1, b बराबर क्या दिया हुआ है, -2 और c बराबर क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यको का योगफल क्या होता है, α+β बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो मेरा अल्फा क्या होता है, अल्फा मेरा क्या आ जाएगा, -2, बीटा क्या है, 4। अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, 4, -b/a आया। क्या करेंगे, -2 में से 4 आएगा तो 2 - b/a। हम लोग ऐसे मिला सकते हैं कि जो b मेरा क्या है, -2 है, -2 आया, यानी -b/a। ये कितना है, 1 है, मान लो तो 1 है। उसके बाद हम लोग को क्या आ जाता ना, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, α×β। ये क्या होता है, c/a होता है। तो α×β 2 × - कितना है, -2 × 4 = c/a। क्या हो जाएगा, -8 = c/a हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा c कितना मान है, -8 आया c/a।
तो हम लोग को सिंपल से क्या करना था कि शून्यको का शून्य ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद दिया था, बहुपद दिया था, उसके बाद क्या करना था, शून्य ज्ञात करना था, उसके बाद गुणांको शून्यको तथा गुणांको में संबंध स्थापित करना था। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग गुणनखंड करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ईट में यहाँ से गुणा करेंगे, क्या आएगा मेरा मल्टीपल कितना आया, ईट आया, उसके बाद टू, मेरा सम कितना हुआ टू, जोड़ करके कितना आना टू आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर टू एक्स है, क्या करेंगे अगर माइनस फोर में से प्लस टू एक्स घटाएंगे फोर एक्स में से, तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा। और क्या करेंगे अगर माइन प्लस टू में माइनस फोर से गुना करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा, सेम है एक्स एक्स में। और एक क्या करेंगे एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स एक्स प्लस टू माइनस फोर है, क्या करेंगे एक्स प्लस टू। तो हम लोग देखेंगे हम लोग सही बनाए कि नहीं, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स में टू एक्स से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा माइनस फोर। अब माइनस फोर में एक्स से गुना करेंगे तो मेरा माइनस फोर एक्स आया, उसके बाद माइनस फोर में प्लस टू से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एट हो जाएगा। तो क्या करेंगे सेम जो ये था उसको लिखे एक्स प्लस टू, और जो एक्स माइनस फोर है इसको लिखे, इसके बराबर में जीरो करेंगे। एक्स क्या करेंगे अगर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में आएगा। तो ये मेरा कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का शून्य क्या क्या आया माइनस टू और फोर आया। बस सिंपल से हम लोग को क्या करना है कि शून्यकों का हम लोग क्या करना है, बहुपद शून्य तो निकल गया, उसके बाद क्या करना है संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग जानते हैं पिछली कक्षा में पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा मेरा क्या आया माइनस टू और बीटा क्या है फोर, तो माइनस टू प्लस फोर माइनस बी बाई ए, जहाँ बी क्या होता है हम बार बार बता रहे हैं कि जो ये बी होता है क्या एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, और ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्या होता है माइनस टू प्लस फोर क्या हो जाएगा प्लस टू माइनस बी बाई ए। हम लोग जांच करेंगे देखेंगे माइनस टू है तो माइनस टू तो आया ही, उसको शून्यको का क्या गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी मेरा क्या होता है अचर पद होता है अचर पद, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो मेरा अल्फा कितना है माइनस टू है, बीटा कितना है फोर है, तो माइनस टू में फोर से गुना करेंगे तो माइनस एट आ जाएगा मेरा, तो ये क्या होता है सी बाई ए, तो सी का मान मेरा एट है, ए माइनस एट दिया हुआ है। बस सिंपल से और कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दो देखते हैं क्या है 4s² - 4s + 1। इसके पहले हम लोग x था, उससे कोई मतलब नहीं है, ये s हो b हो d हो c हो सब का मतलब नहीं है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा सबसे वन में फोर से गुना करेंगे तो मेरा मल्टीपल कितना आना चाहिए, मल्टीपल मेरा क्या है ना फोर होना चाहिए, और जो सम कितना होना चाहिए ये भी मेरा फोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मोस्ट है क्योंकि ये हम लोग को आ जाएगा तो क्या इसका गुणनखंड निकालना आ जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल मतलब क्या इसको और इसको गुना करेंगे तो फोर में वन से गुना करेंगे फोर, ये जो फोर दिया सम मेरा कितना है फोर दिया हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फोर एक्स स्क्वायर, अब हम लोग क्या करें कि जो मल्टी गुना कर जोड़ करेंगे तो माइनस फोर और गुना करेंगे तो फोर आएगा, तो हम लिख सकते हैं टू एस माइनस टू एस प्लस वन। इससे क्या हो रहा है कि टू में टू से गुना करेंगे तो मेरा फोर आ जाएगा, और क्या है मल्टीपल जो दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो दो दो ना कितना आ जाएगा माइनस माइनस जोड़ोगे तो चार आ जाएगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि टू कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन लेते हैं एस कॉमन लेते हैं फोर एस टू एस कॉमन लेते हैं तो एस टू एस माइनस वन ये कितना आ जाएगा माइनस वन टू एस माइनस वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू में एस से बनाएंगे टू एस स्क्वायर, टू में एस से माइनस टू एस, उसके बाद माइनस टू एस में माइनस टू एस, वन में वन से वन, सही है मेरा। क्या किए कि इसमें से 2s कॉमन लिए तो क्या बच गया 2s बच गया कितने बार में एक बार माइनस वन हो गया, फिर क्या करें माइनस वन टू एस माइनस वन,
अब दोनों को एक जगह करेंगे, 2s माइनस 1 इसको और इसको इसको एक जगह 2s माइनस 1 करेंगे, तो इसके बराबर में 0 लाएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो अगर 2s अगर ये प्लस में माइनस में है तो इधर आएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। सेम वैसा ही 2s ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा मेरा, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ये भी मेरा गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो मेरा शून्य क्या क्या आया, माइ प्लस 1/2 और 1/2 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या 4s माइनस 2s प्लस 1 का क्या है शून्यक, शून्यक जो क्या है 1/2 और क्या है 1/2 आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को शून्यक निकालना था, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना था, जो मेरा शून्यक आ गया क्या 1/2। उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। हम लोग पढ़ के जानते हैं कि सबसे पहले देखें क्या क्या है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए मेरा 4 है, बी कितना है माइनस 4 है, सी कितना है प्लस 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा मेरा कितना आया है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी बाई ए माइनस बी बाई ए। और क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस बी बाई ए, मेरा आ जाएगा कितना 0 बराबर माइनस बी बाई जीरो वन आ जाएगा माइनस बी बाई ए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का क्या करना है गुणनफल निकालना है, शून्यकों का क्या गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी बाई ए होता है, जानते हैं हम लोग, तो 1/2 क्या आ जाएगा 4 सी बाई ए। हम लोग को सिंपल से क्या करना है कि सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है जो दिया हुआ है, उसके बाद क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है सत्यता की जाँच करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या मान दिया हुआ 4s² - 4s और क्या है प्लस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्लस 1 ये जो अचर पद है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको गुणा करेंगे तो मेरा कितना है 4 है, जो सम है कितना है 4 है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि गुणा करके जो मान आना चाहिए 4 आना चाहिए और जो ऐसा ऐड करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे 2s है, इसमें से 2s कॉमन लिए, 2s इसको रखे यहाँ पर रखे, तो अगर 2s में 2s दिया हुआ 1 से गुणा करेंगे तब ना 2s आएगा। उसके बाद माइनस 1 सेम जो था इसको लिखें, तो हम लोग देखेंगे गलत या सही, तो क्या 2s में 2s से गुणा करेंगे 4s², 2s में माइनस 1 से करेंगे तो -2s, माइनस 1 में 2s से करेंगे तो -2s, माइनस 1 में माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 आएगा। तो क्या है 2s माइनस 1 और एक जगह इसको करें और 2s माइनस 1 को एक जगह करें, उसको 2s माइनस 1 2s माइनस 1 क्या करेंगे, ये क्या है माइनस में है इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा 2s, उसके बाद ये क्या है माइनस में है इधर आएगा प्लस में आएगा। 2 जो है क्या है गुना में है, हम लोग जानते हैं कि गुना में है जो क्या था भाग में आ जाता है, ऐसा ही जो क्या है 2 इधर है तो ये भाग में आएगा। तो मेरा शून्य क्या क्या आया 1/2 और 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4s² - 4s + 1 का शून्य क्या है 1/2 आया। तो हम लोग शून्य ज्ञात हो गया, फिर हम लोग का क्या करना है सत्यता की जांच करना है।
तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग को अच्छी तरह से पता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, 1/2 माइनस बी बाई ए, दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा मेरा, करेंगे 1+1 2, माइनस बी बाई ए 2/2 1 आ जाएगा मेरा माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 × 1/2 गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1/4, ये क्या होता है मेरा सी बाई ए होता है। जो सी होता है क्या होता है, अचर पद होता है, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। सो हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 3 में क्या कहता है। सेम है कि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता तथा की जांच करना है। इस तरह के 5-6 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। सो देखते हैं क्या, 6x² माइनस 3 − 7x, यदि 6x² इसको क्या करेंगे इधर करेंगे, 7x − 3 बराबर क्या आएगा मेरा 0 आया। तो हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे गुणनखंड करना है। तो जो मल्टीपल है मेरा m, क्या करेंगे 3 × 6 से गुना करेंगे, कितना आया 18, और सम जो आएगा मेरा कितना आएगा 7। ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 6x² क्या करेंगे कि जो 18 मेरा है, और जोड़ करके मेरा कितना है गुना करके 18, और जोड़ करके 3 7 आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, −9x + 2x − 3। अब हम लोग कर सकते हैं कि 9 में −9 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, −9 में से इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा −7 आ जाएगा। 6 से पहले क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, फिर मेरा बचेगा 2x − −3, उसके बाद −1 लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2x − 3। अब हम लोग देखेंगे जो बनाए थे मेरा गलत है सही, 3x × 2x क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6x² −3x − 3 का तो −9x − 1, ये मेरा प्लस होगा, +1 में 1 से गुणा करें तो 2x हो जाएगा मेरा, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 में −3 से गुणा करें क्या जाएगा −3 आ जाएगा। हम लोग को बनाया हुआ सही है, तो हम लोग क्या करेंगे एक साथ करेंगे 2x − 3 को एक जगह, फिर 3x + 1 को एक जगह, इसके बराबर में 0 करेंगे, 2x − 3 बराबर क्या 0, 3x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2x, ये क्या है माइनस में इधर आएगा प्लस में आएगा, 3x ये क्या है −1 में आएगा, फिर क्या करेंगे x बराबर ये गुना में है तो ये क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो ये मेरा अल्फा बराबर क्या आएगा 3/2, अब बीटा बराबर क्या दिया गया है −1/3 आया। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना था कि शून्य का निकालना था, जो कि शून्य का आ गया, उसको सत्यता की जाँच करना है। माने a बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 6, b बराबर −7 और c बराबर −3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है −b/a। तो मेरा अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है −1/3, अल्फा कितना है 3/2, लिखेंगे 3/2 + −1/3 −b/a, 3/2 − 1/3 −b/a।
तीनों का लोग उत्तम लेंगे छः आएगा, दो तिया छः, तीन तिया नौ, तीन दो ना छः, दो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ये आ जाएगा सेवन बाई सिक्स माइनस बी बाई ए। ऐसा ही मेरा क्या आएगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या गुना, अल्फा इंटू बीटा थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री, क्या होता है सी बाई ए हम लोग का होता है, क्या होता है अगर हम थ्री में तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री बट्टा में सिक्स, ये आ जाएगा मेरा सी बाई ए। सिंपल से हम लोग को क्या करना है कि जो दिया गया मान है उसका शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है उसकी सत्यता का जांच करना है। सबसे पहले दिया है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन एक्स, तो क्या करेंगे बराबर करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे थ्री में एक्स सिक्स से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मल्टीपल मेरा अठारह। तो हम लोग जो यहाँ करेंगे गुणनखंड गुना करके अठारह और जोड़ करके सेवन आना चाहिए, ठीक है नौ दो अठारह आ गया और क्या आया जो घटा कर क्या जोड़ कर कितना आएगा माइनस सेवन आ जाएगा। तो क्या करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे थ्री एक्स कॉमन लिए, इसमें क्या बच गया मेरा टू एक्स बच गया, उसके बाद क्या करेंगे थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्या करेंगे थ्री में एक्स स्क्वायर टू थ्री एक्स में टू एक्स से गुना करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर थ्री एक्स में थ्री से गुना करेंगे तो नाइन एक्स, और उसके बाद क्या है वन में क्या करेंगे वो टू एक्स में वन से गुना करेंगे टू एक्स वन में माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री, क्या करेंगे टू एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स प्लस वन को एक जगह किए टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो टू एक्स बराबर थ्री। तो एक्स बराबर क्या आ गया जैसे कि ये माइनस व थ्री है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, सेम वैसा ही ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ये गुना भाग गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है मतलब शून्य कितना है शून्य मेरा जो ही होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा कितना है थ्री बाई टू है वो कितना आया माइनस वन बाई थ्री। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा कितना है थ्री बाई टू तो हम लोग थ्री बाई टू लिखे, उसके बाद मेरा बीटा कितना है वो माइनस वन बाई थ्री तो माइनस वन बाई थ्री तो माइन थ्री बाई टू तो प्लस माइनस क्या माइनस वन बाई थ्री माइनस बी बाई ए। हम लोग जानते हैं कि बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो इसका कॉमन लेंगे छः तीन तीन नौ दो के हम दो कितना आ जाएगा सात नौ में से दो ही सात बी बाई ए। हम लोग जानते हैं बी कितना है मेरा माइनस सात तो माइनस सात मेरा सी कितना है ए कितना है छः तो छः हम लोग सकते हैं। तो क्या हुआ जांच सही हो गया योगफल सही हो गया, देखने गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा थ्री बाई टू, अल्फा हम लोग कितना दिया है थ्री बाई टू और बीटा कितना है माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री गुना करेंगे क्या आएगा थ्री में माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस थ्री तीन दो ना छः तो माइनस थ्री बाई सी सिक्स कितना आएगा सी बाई ए। सी मेरा क्या होता है अचर पद होता है अचर पद और ये क्या होता है ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो हम लोग का सी कितना है माइनस थ्री है ये कितना है सिक्स है। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि दोनों के भी समान के सत्यता क्या सही है। सो आज तक इतना ही और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली, इसके बाद उदाहरण तो मेरा खत्म हुआ, प्रश्नावली में क्या है जो हम लोग उदाहरण पढ़े हैं उसका क्या करेंगे फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।